हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लिए दर टैक्स होगा। आज की इस वीडियो में देखें, जब आप अपने यूट्यूब वीडियो को अपलोड करते हो तो फ्रेंड वहां पर आपको इस तरीके से दो ऑप्शन को देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि फ्रेंड आपका जिस टाइप की वीडियो है आपको उसी टाइप की ऑडियंस के पास जाए और फ्रेंड आपके वीडियोज में भी व्यूज है। क्या आपको यस इट इज मेड फॉर किड को सेलेक्ट करना चाहिए या आपको नो इट इज मेड फॉर किड को सेलेक्ट करना चाहिए। देखो फ्रेंड, आपका चैनल जिस भी कैटेगरी का है, चाहे आपका चैनल गेमिंग कैटेगरी है, चाहे आपका चैनल ब्लॉगिंग कैटेगरी का है, चाहे आपका चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो फ्रेंड आपका चैनल जिस भी कैटेगरी का हो, जब भी आप अपने वीडियो को अपलोड करते हो तो फिर यही दो ऑप्शन को देखने को मिलता है और यही दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो फिर आपको कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बताऊंगा। आई होप अगर अपने इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते हो तो फिर आपका जितने भी डाउट है सभी डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। तो फिर चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो फिर आप अपने वीडियो को जब अपलोड करते हो तो फिर यहीं पर आपको इस तरीके से दो ऑप्शन को देखने को मिल जाए, चाहे आप अपने वीडियो को यूट्यूब से अपलोड कर रहे हो या आप अपने वीडियो को क्रोम से ही क्यों ना अपलोड करते हो, तो फिर यही दो ऑप्शन को देखने को मिल जाए और यही दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर जैसे कि दो ऑप्शन को देखने को मिलता है, पहले ऑप्शन पर यस इट इज़ मेड फॉर किड के ऑप्शन को देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड के ऑप्शन को देखने को मिलता है। तो फिर अगर आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, यानी अगर आपका वीडियो बच्चे के लिए है तो फिर आपको पहले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है और फिर यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार 13 साल तक ही बच्चे माना जाता है। तो फिर अगर आपका वीडियो बच्चे के लिए है तो फिर आपको यस इट इज़ मेड फॉर किड को सिलेक्ट करना है। अगर आपका वीडियो बच्चे के लिए नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नीचे नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड के ऑप्शन को देखने को मिलता है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड आप जिस टाइप की भी वीडियो बनाते हो, फ्रेंड अगर आप अपने वीडियो को बच्चे के लिए बना रहे हो तो फ्रेंड यहाँ पर आपको यस इट इज़ मेड फॉर किड को सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने वीडियो बच्चे के लिए नहीं बना रहे हो तो फ्रेंड यहाँ पर आपको नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन को देखने को मिलता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन को देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड अगर आप अपने वीडियो बच्चे के लिए बना रहे हो तो फ्रेंड यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी यस रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 80। फ्रेंड अगर अपने वीडियो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बना रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो फिर इस तरह से आपका जिस भी कैटेगरी है आपको उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके वीडियो को अपलोड कर देना है, तो भी फिर आपके वीडियोस में व्यूज आएगा।